दोस्तों आप फिर से आ चुके हैं बंका मशीन की YouTube चैनल पर और यहाँ बातें होती है मेटल काटने वाले मशीनों के बारे में, कभी लेथ मशीन, कभी मिलिंग मशीन, कभी ड्रिलिंग मशीन, कभी बैंडसॉ मशीन या कभी स्लॉटिंग मशीन। आज मेरे पास है दो प्रकार की लेथ मशीन, एक थोड़ी हैवी है, एक थोड़ी लाइट है, लेकिन दोनों के बीच में प्राइस का अंतर बहुत बड़ा है और वो है 80,000 रुपये, और अगर GST के साथ चेक करो तो फ़र्क है करीबन 1,00,000 रुपये। अब 1,00,000 रुपये या 80,000 रुपये, जो भी आप कहो, ये दोनों के बीच में जो फ़र्क है, क्या ये वाजिब है? कौन से ग्राहकों को ये वाला मशीन खरीदना चाहिए जो थोड़ा सस्ता है, और कौन से ग्राहकों को ये वाला मशीन खरीदना चाहिए जो थोड़ा महंगा है? अब आपको ये भी सवाल होता होगा कि 80,000 ज़्यादा दे करके जो ये मशीन खरीद कर ले जा रहे हैं, ऐसे जो ग्राहक है, क्या उसे 80,000 रुपये ज़्यादा इसमें काम मिल रहा होगा? और दूसरी बात ये भी मैं आपको बताऊं कि मैं आज आपको दोनों मशीन के अंदर जो एक सी बातें हैं, जो सेम है, जो बदलाव नहीं है, एक सी ही है, ऐसी बातें जो भी है वो भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बताऊं कि दोनों के स्पिंडल का RPM, ये वाला जो स्पिंडल है वो 50 से लेकर 1500 तक जाता है, और स्पिंडल का RPM दोनों में एक सा है, लेकिन स्पिंडल की जो स्पीड है ये भी दोनों में एक सी है, तो दोनों में 16 स्पीडें मिलती है। दोनों में जो टेल स्टॉक है वो भी एक सा है, और टेल स्टॉक का जो क्विल है, मतलब टेल स्टॉक का जो स्पिंडल है, उसका डायामीटर भी 50 mm 2 इंच का है, और दोनों में एक सा ही है। दोनों में जो गियर बॉक्स लगा हुआ है, जो एप्रन लगा हुआ है, जो स्क्रू लगे हुए हैं, ये भी तो एक से है। No sé que tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quien soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas, qué hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. अब अगर मैं आपको ट्रांसपोर्ट में यहाँ से भेजूं, तो दोनों के बीच में जो खर्चा आने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में वज़न का फ़र्क है, करीबन 200-250 किलो वज़न में फ़र्क आता है, और एक में जो मोटर है वो 3 HP की आती है, लेकिन छोटे वाले मशीन में जो मोटर है वो 2 HP की आती है। और इसके स्पिंडल में जो बोर है, छोटे मशीन में स्पिंडल में जो बोर है वो 40 mm का है, और इसमें स्पिंडल में जो बोर है वो 50 mm का है। ये फ़र्क तो आप समझ चुके हैं, लेकिन अब बड़ा फ़र्क जो है वो ये है कि दोनों के बेड में जो चौड़ाई है वो एक में 280 mm है, जबकि दूसरे में वो चौड़ाई 240 mm है। दोनों के बीच में 40 mm का फ़र्क है, लेकिन बेड की चौड़ाई से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। फ़र्क आता है इनके जो लेग्स है उनकी चौड़ाई भी, एक में ज़्यादा है और एक में कम है, और जब लेग की चौड़ाई ज़्यादा होती है तो मशीन का वज़न बढ़ जाता है। और यहाँ पर RPM जब ज़्यादा हो, जब 1550 पे मशीन चल रहा हो, तो डेप्थ ऑफ कट, बड़ा कट लेने की ताकत भी बहुत फ़र्क देती है।
तो यहाँ लोग खर्च इसलिए भी करते हैं। अब आपके मन में सवाल ये होना चाहिए कि किसे ये मशीन खरीदना चाहिए जो छोटा वाला है, और किसे हैवी थोड़ा बड़ा मशीन खरीदना चाहिए। हमारे यहाँ अपने मशीन शॉप में कभी कभार ऐसा काम होता है कि हफ्ते में एक आध बार या दो बार ही हम मशीन को शुरू करके छोटा मोटा कट लगाते हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए ये सस्ता मशीन चाहिए खरीदना चाहिए, और जो हर रोज़ काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, ऐसे ग्राहकों को बिना सोचे बेझिझक होके ये वाला बड़ा मशीन, थोड़ा हैवी है, वही खरीदना चाहिए। अब तक मैंने आपको इस दोनों मशीन का प्राइस नहीं बताया। एक जो मशीन है वो 1,44,000 रुपये में राजकोट से आपके शहर तक पहुंचाने की ये प्राइस है, 1,44,000। जबकि दूसरी मशीन है वो 2,24,000। तो 2,24,000 देने वाले को 3 HP की मोटर के साथ एक हैवी ड्यूटी मशीन मिलता है, और अगर इस 80,000 के फ़र्क को मैं इस मशीन की लाइफ से डिवाइड कर दूं, जबकि मैं समझाऊं आपको कि 20 साल तक ये मशीन चलता है, और 20 साल में कितने दिन होते हैं, इस दिन को मैं डिवाइड कर दूं 80,000 रुपये से, तो एक दिन का जो खर्च आता है वो आपके ऑपरेटर की चाय के मुकाबले आता है। और ये चाय का जो खर्च है, ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको यही मशीन खरीदना चाहिए। ये मेरा सुझाव है आपको। पूरे मशीन में जो भी बदलाव की बातें थी ये भी मैंने आपको बताई, और जो एक सी बातें थी ये भी मैंने आपको बता दी। अब अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला है, या आपको ऐसा लग रहा है कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है, और हमारे सेल्समैन को भी यही क्वेरी ज़्यादा आती है, तो उसे भी इससे फ़ायदा मिलेगा, बिना सोचे बेझिझक होकर के आप आज ही हमारे सेल्समैन से ये मशीन खरीदें।